राजस्थान के चुनावी साल में आरक्षण का लाभ नहीं मिलने से खफा गुर्जर समुदाय के अभ्यर्थियों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। पहले पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से मुलाकात की, फिर एक दर्जन विधायकों से मिले और अब सीधे विरोध की चेतावनी दे रहे हैं, जिसके बाद अब विधायकों ने सीएम को खत लिखकर प्रक्रियाधीन भर्ती में नियुक्तियां पूरी करने का आग्रह किया। विधायकों ने चिट्ठी में लिखा, रीट भर्ती 2018 में शेष बचे अभ्यर्थियों को 372 पदों पर समझौते के अनुसार नियुक्ति दी जाए। पायलट समर्थक विधायक इंद्राज गुर्जर, जोगिंदर अवाना, शकुंतला रावत, सुखराम बिश्नोई, राजकुमार शर्मा समेत कई विधायकों ने सीएम को खत लिखा है। इसके अलावा बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव ने भी अभ्यर्थियों का समर्थन करते हुए नियुक्ति देने का आग्रह किया। अब हम आपको इन लेटर और गुर्जर वोट बैंक के साथ सचिन के साथ जुड़े समीकरणों की हकीकत बताते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुर्जर वोट की अहमियत बढ़ गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की नजर गुर्जर समुदाय के वोटर्स पर टिकी है। राजस्थान की 50-55 सीटों पर गुर्जर जातियों का प्रभाव माना जाता है, इसलिए दोनों पार्टियां गुर्जर वोटर्स पर साधने की कोशिश में लगी है। राजस्थान के 15 जिलों में गुर्जर समाज का वर्चस्व दिखाई देता है। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, दौसा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, भीलवाड़ा, अजमेर और झुंझुनू गुर्जर बाहुल्य जिले हैं। ऐसे में करीब 20-22 सीटों पर गुर्जर जाति के वोट प्रभावित कर सकते हैं। वहीं अगर 2018 के विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखें, तो गुर्जर समाज से 8 विधायक जीतकर विधानसभा के सदन तक पहुंचे। 7 उम्मीदवार कांग्रेस के टिकट पर जीते। एक प्रत्याशी जोगिंदर सिंह अवाना बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीतकर विधानसभा के सदस्य बने। सभी के पीछे सचिन पायलट का हाथ था। यही वजह रही कि विधानसभा 2018 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर गुर्जर समाज का एक भी विधायक जीतकर विधानसभा नहीं पहुंच पाया, जबकि बीजेपी ने 9 गुर्जर समुदाय के लोगों को प्रत्याशी बनाया था। ये आंकड़ा बताने के लिए काफी है कि सचिन के चेहरे के साथ गुर्जर वोट बैंक एक मुश्त है और किसी भी पार्टी को जीतने के लिए इस वोट बैंक की जरूरत हर हाल में पड़ेगी। रिपोर्ट कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।